शरीर पहले तो आपको ये बधाई कि आपने एक टूर्नामेंट जीत कर अवार्ड जीत कर लाए हैं, ये देश प्रदेश के लिए और बल्कि शहर के लिए गौरव की बात है। थैंक यू सर। ठीक है ना, आप जो बताएं कि उसके अंदर कितने लोगों ने भागीदारी की थी देश के खिलाड़ियों ने? इसमें ऑल इंडिया से 300 प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ग्वालियर पहले नंबर पर रहा और ग्वालियर के 3 प्लेयरों ने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, ग्वालियर का नाम चल रहा था वहाँ पे, तो हमको भी गर्व महसूस होता है जब हमारे ग्वालियर का नाम इंडिया लेवल पर चलता है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. पकड़ लो भाई, इससे ना होने का कुछ ध्यान रखना। बहुत बढ़िया बात बता, आराम से आराम, शोल्डर देखना। हाँ देख, रुका रहो, कोई देख रुका के रखो। सेकंड राउंड विनर। जोगेंद्र भाई नीचे बनवा ले, हंगामा करना है, ट्रॉफी ले आगे। ऊपर चढ़ा ले जाए, इजी है, इजी मोहिन ने रोकी ना, रुकेगा भी नहीं। बहुत बढ़िया बात, कहीं नहीं जाएगा। Yeah!
और ताला चौक नहीं है सही बना दे ऊपर कर दे पूरा ऊपर लो ऊपर उन्हें लो यार भाई ये आपका बॉडी इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आ रहा है भाई लाना मिलाना कटरा भाई वीडियो की मार्जिक बनवाया तो बना रहा है चलो सिद्धार्थ भैया चलो यार जोगिंदर भाई चले चलो जाएगा चलो सिद्धार्थ भैया चलो यार क्या जय श्री कृष्णा मित्रों, यह आम रेसलिंग चैंपियनशिप गाजियाबाद का पार्ट टू है। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट वन देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी दे दिया है मैंने। और मैं आम रेसलिंग गाजियाबाद में COC क्यों नहीं बन पाया, उसके कुछ रीज़न थे, जैसे कि माई बॉडी वेट इज 70 kg बट आई एम पार्टिसिपेट इन 80 kg। और 80 kg में पार्टिसिपेट करने का एक रीज़न था, जैसे कि मैं जिस टीम को लेकर गया था उसमें ऑलरेडी पहले से ही 70 kg के कुछ प्लेयर थे, और अगर मैं भी 70 kg में पार्टिसिपेट करता तो उनकी रैंक ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने 80 kg में पार्टिसिपेट किया जिससे उनकी रैंक भी अच्छी आए। और 50-70 kg के मैचेस एंड 90-100 kg प्लस कैटेगरी के मैचेस पहले करा दिए गए थे, और 80 kg की फ़ाइट सबसे लास्ट में कराई गई थी, और मेरी फाइनल फ़ाइट हरियाणा के मोहित के साथ हुई थी। और उस फाइट में मैं थोड़ा रेफरी का सिग्नल नहीं सुन पाया था जिससे मैं डिफेंसिव पोजीशन में चला गया था, और मोहित डोमिनेसिंग पोजीशन में था जिस वजह से मेरा हाथ काफ़ी पंप हो चुका था, और मैंने फ़ाइट को विन तो कर लिया था लेकिन मेरा हाथ काफ़ी पंप हो चुका था। और उसके जस्ट 1 या 2 मिनट बाद ही COC स्टार्ट करा दी गई थी, और मेरी COC की पहली फाइट सिद्धांत के साथ करा दी गई थी जो COC चैम्पियन बना था। और अगर मुझे फाइट के लिए रेस्ट दिया जाता COC के लिए तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होते, बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट जरूर चाहिए।